गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एट स्कूल। महात्मा गांधी जी की जो जीवनी है उसी का एक भाग है एट स्कूल। सो शुरू करते हैं। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल? आप अपने स्कूल के बारे में बेस्ट क्या, किस चीज़ को आप अपने स्कूल के बारे में बेस्ट मानते हैं? टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट। अपने क्लासमेट्स को भी इस बारे में बताइए। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन माय फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राजस्थानिक कोर्ट। राजस्थानिक कोर्ट के मेंबर बनने के लिए जब मेरे पापा कहाँ से निकले, पोरबंदर से राजकोट तक निकले, तब मैं कौन से एज में था? मैं 7 साल का था। ये कौन कह रहा है? महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो ये कह रहे हैं। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, मैं लगभग 7 साल का होऊंगा। व्हेन माय फादर लेफ्ट पोरबंदर, जब मेरे पिताजी ने पोरबंदर छोड़ दिया। एंड और क्या हुआ? बिकम ए मेंबर ऑफ द राजस्थानिक कोर्ट, और वो राजस्थानिक कोर्ट के एक मेंबर बन गए। There I was put to a primary school, और वहाँ मुझे प्राइमरी स्कूल में भर्ती कर दिया गया। And I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. और I can well recollect those days, मतलब मुझे वो दिन अभी भी याद हैं जब including the names and other particulars of the teachers who taught me, और उस वक्त मुझे जो टीचर्स पढ़ाते थे उनके नाम तब मैं जो याद किया था वो अभी तक मुझे याद है। As at Porbandar, Porbandar में, so here there is hardly anything to note about my studies, और बहुत मुश्किल था टू नोट अबाउट माई स्टडीज, मेरी स्टडीज को लेकर, मेरी पढ़ाई को लेकर कुछ नोट करना। आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडियोकर स्टूडेंट्स, इट मीन्स मैं एक मध्यम वर्गीय या फिर मैं एक एवरेज स्टूडेंट था फ्रॉम दिस स्कूल, इस स्कूल से। आई वेंट टू द सब अर्बन स्कूल एंड देन टू द हाई स्कूल, और उसके बाद मैं सब अर्बन स्कूल में गया और फिर मैं हाई स्कूल में गया। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, मैंने तब 12 साल तक वहाँ पढ़ाई की। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, और तब तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला था या नहीं बोला था, इधर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स, या तो वो मेरे टीचर्स के लिए हो या फिर वो मेरे स्कूल मेट्स के लिए हो। आई यूज टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, मैं बहुत शर्मिला था और मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस, मेरे बुक, मेरी किताबें और मेरी पढ़ाई ही मेरे एकमात्र कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है मित्र थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आर एंड टू रन कम बैक, टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वॉज माई डेली हैबिट। आई literally ran back because I could not bear to talk to everybody. I was even afraid lest anyone should poke fun at me. मैं ज़्यादातर दोस्त तो वैसे नहीं बनाता था, but I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. It means मैं किसी से भी जल्दी से बात नहीं करता था। आई वॉज इवन अफ्रेड लास्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी, और मैं इस चीज़ के लिए डरता था कि कहीं कोई मेरे साथ कोई गंदा मजाक ना कर दे। गांधी जी वॉज ऑलवेज द टॉपर इन हिज स्कूल, डू यू एग्री? गिव रीज़न। आपको अगर लगता है कि गांधी जी हमेशा से एक टॉपर थे तो क्यों लगता है, क्या लगता है कि वो एक टॉपर थे, इसके लिए रीज़न बताइए। Two incidents belonging to this period have always clung to my memory. दो घटनाएँ मेरी दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में आ रही हैं। As a rule,
I had a distance for any reading beyond my school books. The daily lessons had to be done because I disliked being taken to task by my teacher as much as I disliked deceiving him. इसका मतलब मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट ही था, तो मुझे जो डेली लेसन्स मिलते थे उनमें से बहुत कुछ मुझे पसंद भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी था कि मैं उन्हें इनकार नहीं करना चाहता था. Therefore, आई वुड डू द लेसन बट ऑफन विदाउट माई माइंड ऑन देम. दस वेन इवन द lessons could not be done properly, there was of course no questions of any extra reading. मतलब मैं extra reading के कोई question ज़्यादा याद नहीं करता था, but somehow my eyes fell on a book purchased by my father. अचानक से मेरी नज़र कहाँ पड़ी, जो book मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदी थी. It was श्रवण पितृभक्ति नाटका, एक रोल, एक प्ले जो किसके नाम पे था, श्रवण कुमार के डेडिकेशन उसके माता पिता के लिए था. आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट, इसका मतलब मैं उन्हें बहुत रुचि के साथ पढ़ता था. देयर आई केम टू आर प्लेस अबाउट द सेम टाइम, और तब मैं अब हमारी जगह वापस आया उसी टाइम. ट्रैवलिंग शोमैन, one of the pictures I was shown was of Shravana carrying his blind parents all on a pilgrimage. Pilgrimage का मतलब होता है तीर्थ यात्रा. मेरे मस्तिष्क में अभी एक बात याद आ रही है, एक पिक्चर छपी हुई है जो क्या श्रवण कुमार की है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को कांवर पर बिठा के तीर्थ यात्रा के लिए गया था. The book and the picture left an indelible impression on my mind. और उस तस्वीर ने मेरे मस्तिष्क में एक अजीब सी और बहुत ही सुंदर छवि छोड़ दी. Here is an example for you to copy. और ये एक उदाहरण है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए. I said to myself, मैंने खुद से कहा. किसने कहा? महात्मा गांधी ने. किससे कहा? खुद से कहा. The agonized lament of the parents over Shravana's death is still fresh in my memory. मेरे मस्तिष्क में, मेरी चिंतन में अभी वो बातें अभी भी घूम रही हैं जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी और उसकी खबर किसको मिली थी, उनके अंधे माता पिता को. The melting tune moved me deeply and I played it on a concertina with which my father had brought to me. और मुझे, मेरे मस्तिष्क में वो चीज़ें बहुत गहराई से छाप छोड़ चुकी हैं. There was a similar incident connected with another play. और वैसे ही दूसरी प्ले से एक वैसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट मेरे मस्तिष्क में आ रहा है. Just about this time, इसी समय का, I had secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company. मैंने अपने पापा से परमिशन ली एक नाटक देखने के लिए, जिसमें क्या, दिस प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट. मतलब हरिश्चंद्र, प्ले का नाम क्या था, हरिश्चंद्र, जिसने कैप्चर्ड माई हार्ट, मेरा मन, मेरा दिल चुरा लिया. एंड आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, और मैं इस चीज़ को देखने के बाद कभी नहीं थका हूँ, या इसको देखने से कभी नहीं थकता. बट हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो, लेकिन अक्सर कैसे मुझे परमिशन मिल जाती थी. इट हंटेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम्स, और इस चीज़ ने मुझे झकझोर दिया और मैं कई बार वो उस स्टोरी से प्रभावित होकर खुद को भी हरिश्चंद्र की तरह मानने लगा था. आई कुड नेवर बी टायर्ड of seeing it, मैं इन्हें कभी देखते हुए नहीं थकता था. Why should not all be truthful like हरिश्चंद्र, क्यों हर कोई हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी नहीं हो सकता. Was the question I asked myself day at night, और यही वो प्रश्न था जो मैं अपने आप से हर दिन और हर रात पूछता था.
to follow truth and to go through all the ordeals Harishchandra went through was the one ideal which inspired in me. मतलब और भी बहुत सारी घटनाएं थी जिनसे मैं इंस्पायर या जिनसे मैं प्रोत्साहित हुआ था. आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र. मुझे हरिश्चंद्र की स्टोरी पे वाकई में भरोसा था. द थॉट ऑफ इट ऑल टू ऑफन मेड मी वीप. ज़्यादातर मैं इन स्टोरीज को सोच के या इन्हें सुनने के बाद रो देता था. माई कॉमन सेंस टेल मी टूडे दैट हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर. मेरा कॉमन सेंस मुझे कहता है कि हरिश्चंद्र एक ऐतिहासिक चरित्र है, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं. बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज एंड आई एम श्योर आई शुड बी टच्ड एज बिफोर इफ आई वर टू रीड अगेन दोज प्लेस टूडे. और मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मुझे ये चीज़ें बहुत ही अंदर से प्रभावित कर चुकी हैं. नेम द टू प्लेस मैंशनड इन दिस लेसन. इन इस लेसन में कौन कौन से दो प्लेस हैं उनको मैंशन करिए. तो पहली जो प्ले है वो है श्रवण कुमार की गाथा और दूसरा जो है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की. देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम वेन आई वॉज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड. जब मैं सातवीं में था तब एक और घटना हुई थी. क्या हुई थी? दोराबजी इदुलजी जिमी वॉज द हेड मास्टर देन. और तब कौन हेड मास्टर थे? दोराबजी इदुलजी जिमी हेड मास्टर थे. ही वॉज पॉपुलर अमंग द बॉयज. वो बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर थे, बहुत पसंदीदा थे. दो ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन. मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अनुशासित थे. एंड ही वॉज अ मैन ऑफ मैथड एंड अ गुड टीचर. वो मैथड के बहुत, इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा सिद्धांतवादी थे और एक गुड टीचर थे. ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड्स. वो जिम्नास्टिक और क्रिकेट को सब के लिए कंपल्सरी कर चुके थे फॉर द अपर स्टैंडर्ड. आई डिसलाइक बोथ. हाई स्कूल के बच्चों के लिए सबके लिए जिम्नास्टिक और क्रिकेट जो है वो कंपलसरी था, जो मुझे पसंद नहीं था. मुझे, इट मीन्स महात्मा गांधी को. आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज. महात्मा गांधी ने किसी भी एक्सरसाइज में कभी पार्ट नहीं लिया, क्रिकेट और फुटबॉल, बिफोर दे वर मेड कंपलसरी. जब तक कि इन्हें कंपलसरी नहीं किया गया, महात्मा गांधी ने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था. माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस अलो फिटनेस. My shyness was one of the reason for this aloofness which I now see was wrong. जिसको मैं अब क्या गलत समझता हूँ. और my shyness was one of the reason, और जिसका कारण क्या था? मेरी shyness, क्योंकि मैं बहुत शर्मिला था. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. और मेरा ऐसा मानना था कि जिम्नास्टिक का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है. टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग. मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक शिक्षा भी मानसिक शिक्षा के साथ उतनी ही नेसेसरी, आवश्यक होनी चाहिए. व्हाई इज स्पोर्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. खेलकूद सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है. अ हेल्दी बॉडी मेक्स अ हेल्दी ब्रेन. नाउ बट दो आई वॉज नन द वर्स ऑफ हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज. क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट किया था, लेकिन छोड़ा नहीं था एक्सरसाइज को. आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट. और मैं किसी और चीज़ के लिए भी पेनल्टी का मतलब जुर्माना दे रहा था. आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने तो कहीं से ये पता किया था कि एजुकेशन, शिक्षा के लिए एक गुड हैंड राइटिंग जरूरी नहीं है. बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड. लेकिन आई
retained it until I went to England. मैंने इंग्लैंड जाने से पहले इन सब चीज़ों को सुधारा. I then saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. तब मुझे realize हुआ कि bad handwriting, बुरी handwriting जो है वो imperfect education मतलब अपूर्ण शिक्षा का द्योतक है. इट मीन्स वो सूचित करते हैं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपने अच्छे से शिक्षा नहीं ली है. इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिए. लेट एवरी यंग मैन एंड वुमन अंडरस्टैंड दैट गुड हैंडराइटिंग इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. और इसलिए आप सब ये ध्यान रखिए कि अच्छी हैंडराइटिंग जो है आप सबकी शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है. So this is all about the topic at school. I hope कि आपको ये समझ में आ गया हो. आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है. Bye, have a good day.